हत्या सहित गंभीर वारदातों में फरार चल रहे 5 आदतन आए पुलिस की गिरफ्त में भेजे गए जेल। आपको बता दें कि इनमें से कई आरोपी ऐसे भी हैं जिनके ऊपर 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही इनके ऊपर जिला बदर की भी कार्रवाई पूर्व में हो चुकी है। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही पूरे जिले की पुलिस एक्टिव मोड में है। कभी मुखबिर की सूचना पर तो कभी सघन चेकिंग अभियान चलाकर अपराधियों की धरपकड़ करने में लगी है। शहर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने भी बीते दिन अभियान चलाकर 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक लगभग 20 से अधिक अपराधों को अंजाम देने वाला और हत्या के मामले में वांछित शिवानंद पांडे उर्फ शिवम निवासी महिदल, 14 से अधिक आपराधिक मामलों के आरोपी मनोज कुशवाहा निवासी कदेला सहित नाजिम हुसैन, मनीष श्रीवास्तव और गौरव पटेल को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आदतन अपराधी शिवानंद पांडे पर विधानसभा चुनाव के दौरान जिला बदर की भी कार्रवाई हुई थी। इसके बाद अब रासुका की कार्रवाई संस्थित की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर इस समय पर पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में कल थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा कई टीमें बनाकर सघन चेकिंग कई स्थानों पर कराई गई, जिसमें 4 अलग अलग स्थानों पे आदतन अपराधी जो पूर्व से कई अपराध कर चुके हैं वो पकड़े गए। उनके साथ उनके पास से अवैध असलाह बरामद हुआ और जिसकी कार्रवाई की गई। साथ ही एक शिवानंद उर्फ शिवम पांडे जो 302 में करीब 1.5 साल से वांटेड था, उसको भी पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर कम से कम 20 अपराध पहले से पंजीबद्ध हैं। जिला बदर कार्रवाई भी प्रस्तावित है, उसका फाइनल आदेश हो चुका है और 2 अन्य मामलों में भी वो वांछित था तो उसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है और उसको भी गिरफ्तार किया गया है। आज 5 आरोपियों को माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें 3 ऐसे आरोपी हैं जिनके ऊपर पूर्व से 302 जैसे संगीन अपराध पंजीबद्ध हैं और जेल जा चुके हैं और एक के ऊपर 13-14 मामले हैं और एक के ऊपर 20 मामले हैं और जितने भी आरोपी हैं पूर्व में भी इनके ऊपर सभी पर मामले पंजीबद्ध हैं, सभी आदतन अपराधी। निश्चित ही अभी तो ये जा रहे हैं 302 के मामले में, तो अभी तो ये जेल में ही रहेंगे और जिला बदर इनका हो चुका है, उसकी भी नोटिस शामिल कराई गई है।